वर्जिन मेरी चर्च मादी के एरिया में है, द्रनील के मशर के किनारे पर वाक़ है। जब यूसुफ को खुदा ने हदायत की कि वो अपने ख़ानदान को लेकर मिस्र को जाए, तो वो मिस्र में इसी जगह पर पहुँचे और जब वो यहाँ कश्ती से उतरे तो कदीम पत्थर के वो स्टेप्स जिन पे उन्होंने कदम रखे वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। 70 का दौर मिस्री मसीहियों के लिए बड़ा मुश्किल और परेशानी का दौर था, जबकि क्रिश्चियन परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा थी और उस वक्त उन्हें सख्त ज़रूरत थी एक उम्मीद की, एक यकीन की, एक हौसले की। और तभी एक मौज़ा रोनुमा हुआ कि एक सुबह रनील के किनारे इसी जगह पर बाइबल मुकद्दस पानी के ऊपर तैरती मिली। ये बाइबल मुकद्दस जब निकाली गई तो यशायाह की किताब खुली हुई थी और जब उसको देखा गया तो यशायाह की किताब उसका 19 बाब खुला हुआ था और उसकी 25 आयत में लिखा था, मुबारक हो मिस्र मेरी उम्मत। और इससे एकदम से मिस्रियों में एक नया हौसला मिला, एक नई जिंदगी उन्हें मिली, ईमान की पुख्तगी मिली और एक नई उम्मीद मिली। हर रोज़ शाम को मिस्री मसीही अपने खानदानों समेत यहाँ इकट्ठे होते हैं, इबादत करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और यही इबादत और रफाकत, इनके दरमियान यकानगत मोहब्बत और ताजगी को पैदा करती है। सदियों से इसी जगह द्रनील के किनारे अपने 16 सलामती के मसीही ईमान को ये लोग अपनी अगली नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं।